हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आजकल फ्रिजी एंड डैमेज्ड हेयर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है और केराटिन ट्रीटमेंट इंस्टेंट आपके बालों में शाइन लाने का, बाउंसी, मैनेजेबल एंड सिल्की बनाने का सबसे आसान तरीका है। केराटिन ट्रीटमेंट काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है जिसकी वजह से ये सबके बजट में नहीं आता है, जिसके चक्कर में कुछ लोग इस ट्रीटमेंट को नहीं करा पाते हैं और वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो केमिकल वाले प्रोडक्ट से दूर रहना चाहते हैं। सो आज के वीडियो में मैं आपके साथ ऐसा पार्लर जैसा केराटिन ट्रीटमेंट शेयर करूंगी जिसे आप घर पर ही कर सकते हो, दैट टू विदाउट यूजिंग एनी केमिकल। और इससे पहले भी मैंने केराटिन ट्रीटमेंट वाली एक वीडियो आप सब लोगों के साथ शेयर करी थी, तो उसका लिंक भी मैं आई बटन में दे दूंगी, तो आप उसे भी जाकर देख सकते हो। सो उससे पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो किस बात का वेट कर रहे हो, फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर उड़द दाल चाहिए होगी एंड उसकी हमें जो क्वांटिटी चाहिए इट्स 4 टेबल स्पून। उसके बाद इसे हमें अच्छे से वॉश कर लेना, बिकॉज वॉश करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम चावल वगैरह को वॉश कर लेते हैं ना, एक्जैक्टली हमें वैसे ही इसे भी वॉश कर लेना है। उसके बाद आप इसे सोक कर लेना, आप इसे ओवरनाइट भी सोक कर सकते हो, नहीं तो आप इसे 3 से 4 घंटे के लिए भी सोक कर सकते हो, जैसा भी आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हो। मैंने तो इसे ओवरनाइट सोक करा था एंड आप देख सकते हो कि सुबह उठकर ये कुछ ऐसी दिख रही है, और जो आपने सोक किया था ना उस पानी की जो क्वांटिटी होगी वो भी थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि जो पानी है वो हमारी दाल ने अब्सॉर्ब कर लिया। एज यू कैन सी काफ़ी ज़्यादा फूल सी भी गई है ये उड़द की दाल, और यहाँ पर हमें वाइट उड़द दाल की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा पानी है इस दाल का उसे हमें डिस्कार्ड कर लेना है। आप देख सकते हो पानी हटाने के बाद ये कुछ ऐसी दिख रही है। और इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ने वाली है मिक्सर ग्राइंडर की। सो जो भी दाल का पानी आपने हटा दिया था उस दाल को हमें इस मिक्सर ग्राइंडर में डाल देना है, इसे हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। अब हम दाल को खाली ग्राइंड करेंगे तो हमें स्मूथ सा पेस्ट तो मिलने से रहा, इससे बढ़िया हमें क्या करना है, हमें इसमें ऐड कर देना है कर्ड यानी दही। ठीक है, अब आपको यहाँ पर मार्केट वाली दही का भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप घर वाली दही का भी यूज़ कर सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उस दही का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने घर वाली दही का यूज़ किया था। और अब एक बात आपको ध्यान से सुननी है और याद रखनी है कि अगर आप घर की दही का यूज़ करते हो तो उसका एक थिक सपाट हमें यूज़ करना होता है, जो लिक्विडी पार्ट होता है ना उसे हमें अवॉइड कर लेना होता है, नहीं तो उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा रनी हो जाएगी, इसलिए हमें लिक्विडी पार्ट को रिमूव कर देना है। और यहाँ पर हमें टोटल 4 to 5 टेबल स्पून ऑफ कर्ड का यूज़ कर लेना है। अब हमें इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, एंड अगर आप इसे अच्छे से ग्राइंड नहीं करोगे तो दाल के जो छोटे छोटे से पीसेस होते हैं ना वो आपके बालों में अटक सकते हैं, इसलिए ट्राई ये करना कि आप जितना स्मूथ इस मास को ग्राइंड कर सकते हैं उतना आप कर दो। इसके बाद मिक्सर ग्राइंडर से मैंने इसे बाउल में डाल लिया था एज यू कैन सी, एंड इसके बाद हमें एक लास्ट इंग्रेडिएंट और ऐड कर देना है, एंड दैट इज 1 टेबल स्पून ऑफ हनी। वो वाली क्लिप में से डिलीट हो गई थी इसलिए मैं यहाँ पर आपको बता दे रही हूँ, डाल लेना। और फिर अच्छे से हनी डालने के बाद आपको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना, एंड इसी के साथ हमारा केराटिन मास्क बन के रेडी हो चुका है, एंड दैट्स हाउ द मास्क लुक्स लाइक। इसके बाद बारी आती है हमारे एप्लीकेशन की। अब आपको इसे अच्छे से अपने पूरे बालों में स्कैल्प से लेकर एंड तक अच्छे से अपनी लेंथ एंड एंड्स को कवर कर लेना है। आप इसे छोटे छोटे सेक्शंस में लो अपने बालों को एंड इसे अच्छे से अप्लाई कर लो ताकि ये अच्छे से इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और आपके सारे के सारे बालों में लग जाए। प्लस जहाँ पर आपके स्प्लिट्स होता है ना, जो सबसे नीचे वाले बाल होते हैं वहाँ पर भी आपको इसे अच्छे से लगा लेना है, बिकॉज वही बाल होते हैं जिसमें हमारे सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा झाड़ू जैसे लगते हैं, बहुत ज़्यादा रूखे सूखे से हो जाते हैं, इसलिए वहाँ पर लगाना बिल्कुल भी मत बोलना, बहुत अच्छे से लेयर लगा लेना अपने सारे ही बालों में। सो यहाँ पर हमने सबसे पहले उड़द दाल का यूज़ करा था, सो ये हमारे बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, हमारे बालों को असेंशियल प्रोटीन देने का काम करती है, और इसे बालों में लगाने से ना सिर्फ बाल मजबूत होते हैं बल्कि हेयर फॉल एंड जो दो मुए बालों की प्रॉब्लम होती है ना वो भी सब दूर हो जाती है। ये मैनेज करती है आपके ड्राई एंड ब्रिटल हेयर को और ज़्यादा सॉफ्ट एंड मैनेजेबल बनाने में। इट इज़ एक्सट्रीमली रिच इन मिनरल्स एंड फैटी एसिड्स दैट हेल्प इन रीस्टोरिंग द लॉस्ट शीन ऑफ द हेयर। सो इसके बाद हमने यहाँ पर यूज़ करा था कर्ड का यानी दही का। सो कर्ड इज़ अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम एंड विटामिन A, B5 एंड D। सो इट इज़ ऑल्सो अ नेचुरल कंडीशनर दैट एड शाइन एंड ग्लॉस टू योर हेयर। इट हैज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी बैक्टोरियल प्रॉपर्टीज। कर्ड इज़ ऑल्सो रिच इन फैटी एसिड्स विच आर असेंशियल फॉर हेल्दी, स्मूथ एंड फ्रिजी हेयर। इट मॉइस्चराइजेस एंड हील्स एंड कॉन्स्टेंटली अपलिफ्ट डल हेयर नेचुरली। इट हेल्प्स टू टैकल डैंड्रफ, सॉफ्टन्स द हेयर, बूस्ट द हेयर ग्रोथ, क्लेंजेस द स्कैल्प,
डीप कंडीशंस द हेयर एंड ऐड शाइन एंड कंट्रोल फिज। इसके बाद हमने यहाँ पर यूज़ करा था हनी का, सो इट हैज हाइड्रेटिंग, स्ट्रेंथनिंग, एंटी बैक्टोरियल एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, और ये शाइन लाता है आपके बालों में, सूथ करता है आपके स्कैल्प को, प्रिवेंट करता है डैंड्रफ को, इम्प्रूव्स ओवरऑल स्कैल्प हेल्थ एंड स्टिमुलेट कर देता है हेयर की ग्रोथ को। और जब आप इस मास्क को अच्छे से अपने पूरे बालों में लगा लोगे, तब आपको इसे ऐसे ही छोड़ देना अपने बालों में फॉर अबाउट 30-40 मिनट्स, जितना आप लगा कर छोड़ सकते हो या फिर जितना भी आपके पास टाइम है। सो इसके बाद अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको इसे वॉश कैसे करना है, बिकॉज वॉश करने में बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है। सो सबसे पहले तो आपको इसे रिंस कर लेना है नॉर्मल पानी से, यानी अच्छे से आपको इसे पहले धो लेना है टैप वाटर से, ठीक है, सो दैट जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ना दाल के और हमारे बालों में से, वो सारे के सारे निकल जाए। उसके बाद आपको शैम्पू कर लेना है, नॉर्मल शैम्पू आप जो भी यूज़ कर सकते हो, और शैम्पू करने का तरीका भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। सो इसके लिए आपको सबसे पहले एक मग ले लेना है, उसमें आपको थोड़ा सा पानी ऐड कर देना, और जो भी आप शैम्पू को यूज़ करते हो या फिर आपको पसंद है वो वाला शैम्पू आपको थोड़ा सा उस मग में डाल देना है। उसके बाद आपको इसे अच्छे से मिक्स करके अपने बालों को इस शैम्पू वाले पानी से धो लेना है, एंड यू आर डन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप इस टाइप का कोई भी मास्क बनाते हो तो आपको फ्रेश बनाना है, एंड फ्रेश ही आपको यूज़ कर लेना है। और आप देख सकते हो कि शैम्पू करने के बाद मेरे बाल कुछ ऐसे लग रहे हैं, कितने ज़्यादा सॉफ्ट, शाइनी, मैनेजेबल एंड बाउंसी लग रहा है, इतना तो आप देख ही सकते हो वीडियो में। एंड जितने भी इंग्रेडिएंट आज हमने यूज़ करे हैं काफ़ी ज़्यादा नेचुरल है, उसी के साथ ये बहुत आसानी से अवेलेबल है मार्केट में। सो दैट कम्स टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको ये केराटिन ट्रीटमेंट अच्छा लगा होगा, इसलिए मेरे को कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको किस टाइप का रिजल्ट मिला है इस केराटिन ट्रीटमेंट को यूज़ करने के बाद। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको करना है इस वीडियो को लाइक, कॉमेंट एंड शेयर, मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। चलो अब मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।